नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर पिछले दिनों गए हुए थे और वहां से कुछ सुरक्षा कारणों के कारण उन्हें एक फ्लाईओवर पर लगभग 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा और सुरक्षा कारणों से उन्हें वापस आ जाना पड़ा। तो दोस्तों, उसी वक्त हम लोगों ने देखा कि SPG कमांडो एक खतरनाक हथियार लेकर के खड़ा था और इसका फोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। और कुछ लोग बता रहे थे कि यह हथियार काफ़ी घातक है और काफ़ी मीडिया में चर्चा हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग इसी हथियार के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इस हथियार का नाम है FN F2000। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। बिना वक्त का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो FN F2000 है, इसमें 5.56 mm की बुलेट और इसका निर्माण FN हर्स्टल कंपनी ने किया है, जो कि बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों, इस F2000 जो हथियार है, इसका जो डेब्यूट है वो 2001 में हुआ और अभी से लेकर के 2001 से लेकर के अभी तक दुनिया के कई सारे देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हें बताएं FN F2000 गनों के बारे में, तो दोस्तों इसको चार कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है F2000 जो कि भारत की SPG इस्तेमाल करती है, बाकी तीन और तरह की होती है जिसमें कि F2000 टैक्टिकल, FS2000 और FS2000 टैक्टिकल। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं F2000 के बारे में, जो कि भारत की SPG कमांडो इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हथियार के कुछ सर्विस हिस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, इसका सर्विस में अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है 2001 से लेकर के। और यदि हम लोग इसके यूजर्स की बात करें तो प्रमुख तौर पर बेल्जियम की सेना इस्तेमाल करती है और भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG इस्तेमाल करती है और NSG के कमांडो भी इसी हथियार का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा लीबिया, बेल्जियम, पाकिस्तान, पोलैंड, सऊदी अरेबिया और स्लोवेनिया के सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसका जो वजन है वो 3.6 किलोग्राम का है। वहीं हम लोग इसके लंबाई की बात करें तो 27.1 इंच का होता है यानी कि 688 mm। और वहीं हम लोग बैरल लेंथ की बात करें तो 400 mm की होती है यानी कि 16। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3.2 इंच की होती है। और वहीं हाइट की बात करें तो 259.1 मिलीमीटर यानी कि 10.2 इंच। और दोस्तों, इस हथियार की खास बात यह है कि इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है यानी कि GL-1। इसके नीचे वाले पोर्शन पर एक ग्रेनेड लॉन्चर को माउंट किया जा सकता है, जो कि इसमें इसके लिए भी जगह दी गई है। इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई दुश्मन का जो गाड़ी है, कोई छोटा साइज का गाड़ी है, यदि उसको तबाह करना हो तो इसमें ग्रेनेड से भी इस पर हमला किया जा सकता है इसके जरिए। दोस्तों, यह हथियार एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट पर आधारित है। और यदि हम लोग इसके एमओ की बात करें तो दोस्तों, इसमें 5.56 मिलीमीटर का एमओ होता है, जो कि 45 की संख्या में होता है, मतलब कि एक बार में इसमें 45 बुलेट जो है वो लोड किया जा सकता है। और वहीं हम लोग रेट ऑफ फायर की बात करें तो 900 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मिनट में यह लगभग 900 गोलियाँ दाग सकता है, जो कि किसी भी दुश्मन के सामने टिक पाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि दुश्मन इसके सामने टिक ही नहीं पा सकता। और वहीं हम लोग इसके मजल वेलोसिटी की बात करें तो 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी गोली चलती है। और वहीं हम लोग इसके इफेक्टिव फायरिंग रेंज की बात करें तो 500 मीटर होता है यानी कि 1600 फीट। इसका मतलब यह होता है कि 500 मीटर दूर कोई लक्ष्य पर, पिन पॉइंट पर यह हमला कर सकता है। और वहीं हम लोग इसके साइट की बात करें तो 1.6 का मैग्निफिकेंट टेलीस्कोप साइट इसमें लगाया जा सकता है और नॉर्च बैकअप साइड भी इसमें लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और FN 2000 के बारे में सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।